हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आई ने जो सी ए फाउंडेशन कोर्स के लिए अकाउंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का जो पेपर वन का बुक दिया है आ, तो उसमें चैप्टर नंबर फाइव हम स्टडी करने वाले हैं मतलब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर से आप लोग काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हो आप लोगों ने ऑलरेडी इलेवेंथ स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेपेशन आप लोगों ने स्टडी किया है दिस चैप्टर इज़ नॉट न्यू फॉर यू लेकिन यहाँ पर फाउंडेशन uh, में हम कुछ और जो नए मेथड्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से नए मेथड्स है और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है कैलकुलेशन डेप्रेशन डिप्रसेशन का कैसे होता है uh, तो ये यह हम यहाँ पर सीखने वाले हैं चैप्टर का ओवरव्यू वगैरह आप लोगों को गो थ्रू कर लेना है आई ने जो टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड किया है तो उसमें से ओवरव्यू जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रेसेशन के जैसे कि में डेप्रेसिएशन हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं तो टू एसरटेन द ट्रू रिजल्ट जो सा ऑपरेशन uh, uh, का जो रियल रिजल्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए टू एसरटेन टू कैलकुलेट एंड टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जो फाइनेंशियल पोजिशन है किसी भी कंपनी की किसी भी कंपनी uh, की एसेट्स की उसकी सही uh, और फेयर वैल्यू निकालने के लिए फाइनेंशियल पोजिशन निकालने के लिए हमें डेप्रिसन जो है कैलकुलेट करना होता है देन टू एक्ूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स एसेट्स को मतलब फ्यूचर में जब वो एसेट uh, है वो यूजलेस हो जाएगा हो जाएगा तो उस समय पर हमें नया एसेट उसकी जगह पर रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए हम लोग एक्यूमलेट करते हैं फंड डेप्रिसिएशन मतलब आ, हम लोग बिकॉज इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं एसेट्स पे तो इजीली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ्यूचर में हम आसानी से आ, नया एसेट जब हमें सेम एसेट परचेस करना है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं देन टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्चुअल uh, जो है प्रोडक्शन uh, का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो uh, लगा है प्रोड्यूस करने का um, गुड्स को तो उसमें कितना हमारा खर्चा हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम um, जो है डेप्रोसेशन ये uh, इसका मेन यूज uh, है ऑब्जेक्टिव है

एसेट की तो दैट इज द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू नाउ यहां पर कुछ जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट को डेप्रिसिएशन को लेकर याद रखना चाहिए तो वो मैंने जस्ट आप लोगों के लिए जॉट डाउन किए हैं uh, तो आप लोगों को चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वी विल डिस्कस वन बाई वन दिस पॉइंट जैसे कि एज पर द शेड्यूल टू अंडर द कंपनीज कंपनीउजेंड थर्टीन डेप्रिसिएशन मतलब क्या है डेप्रिसिएशन इज अ सिसमेटिक इट इज द दिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रेसिएबल अमाउंट जो भी डेपिएबल अमाउंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ उसकी यूजफुल लाइफ में उसका जो टेन ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो टेन ईयर्स का डेप्रसीशन नाइन ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो नाइन ईयर्स डेप्रेसेशन तो हम उसको एलोकेट करते हैं सिस्टमेटिकली डेप्रशियबल अमाउंट जो होता है um, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं देन सेकेंड थिंग जैसे हम सबको पता है कि ये क्या है इट इज नथिंग बट रिडक्शन इन द ये जो है वो रिडक्शन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ जाती है रिडक्शन आ जाता है एंड इसके रीजंस भी हम स्टडी करेंगे कि क्यों आता है आप लोगों ने पहले भी इसको स्टडी किया outdated technology then, three, uh, है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वगैरह की वजह से एंड ऑल देन देर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हम कंप्यूट करते हैं डेप्रिसिएशन को तो द थ्री फैक्टर्स जो हम यूज uh, में लेते हैं तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट देन कॉस्ट ऑफ एसेट देन रेसिडियल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द उंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ देन उसके uh, साथ हमें रीजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या कारण है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट uh, करने के रीजंस क्या है तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से क्यों डेप्रिसिएशन जो है वो एराइज़ होता है व्हाट आर द रीजंस कि डेप्रिसिएशन एराइज़ होता है तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन अराइज़ होता है तो uh, जैसे कि uh, पहले एल सी का ज़माना था आज uh, आज कल अब स्मार्ट टी वी आ गए है देन द पैसेज ऑफ टाइम समय जैसे बीत जाता है पैसेज ऑफ टाइम में यूजली क्या होता है हम किसी चीज़ को खरीद कर रख लेते हैं किसी गुड्स को Um, किसी एसेट को परचेस कर, कर रख लेते हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं करते फॉर इयर्स एंड इयर्स तो फॉर एग्जाम्पल होंडा सिटी कार विदाउट यूज कैप फॉर अयर एक साल के लिए अगर होंडा सिटी कार को बिना यूज के लिए रख दिया बिना यूज के तो समय के साथ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होना ही है मतलब आप उसको यूज करो या ना करो एक बार आपने एसेट परचेस करके रखा तो उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो एराइज़ होने ही वाला है देन ड्यू टू वेयर एंड टेर वेयर एंड टेर मतलब ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ यूज़ होता है वेयर एंड टेयर ड्यू टू एक्चुअल एक्चुअल यूज़ के वजह से होता है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर यूज बाय स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर लैब uh, में कंप्यूटर का यूज़ किया uh, तो वो ये जो है कंप्यूटर्स uh, में जो डेप्रिसिएशन होगा वो ड्यू टू द वेयर एंड टेर के वजह से होगा मतलब उसको हमने यूज़ किया है Uh, उसका इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल करने के बाद में uh, किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की की वैल्यू वैल्यू मतलब एसेट की एसेट तो मतलब नॉट बट थोड़ा सा आपको इसका बता दे रही मतलब क्या है uh, तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से मेथड uh, जो है हम सीए फाउंडेशन में uh, सीखने वाले डेप्रिसिएशन को लेके अभी यहाँ पर मेन क्या है आप लोगों का रेस्पॉन्स मुझे कैसा आता है उस पर भी डिपेंड करेगा आप लोगों के लिए रेगुलर लेक्चर्स में कितने लगाती हूँ बिकॉज आपका रेस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होगा तो मैं भी केयर करने में कमी नहीं रखने वाली तो मेथड्स ऑफ डेप्रेसिएशन एंड साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी टेक्स करके बताना है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या क्या मुझे वीडियोज को कंटिन्यू करना चाहिए सी ए फाउंडेशन के नाउ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये मेथड आप लोग ऑलरेडी इलेवेंथ स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को देन द सेकेंड वन इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है थर्ड नेम ऑल्सो वी यूज फॉर दिस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है एंड स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए भी थर्ड नेम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एफ फिक्स्ड मेथड भी भी उसे बोला जाता है यहां पर RA, reducing balance method, RBM भी हम बोल सकते हैं किसके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू वाले मेथड के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए नाउ थर्ड वन इज द सम ऑफ इज ऑफ डिजिट्स मेथड तो ये जो समय ऑफ डिजिट्स मेथड है इसके बारे में हम नेक्स्ट uh, uh, जो uh, जो हमारा कंटिन्यूटी हम इस सम के ये बेस्ड से ये जो मेथड है सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड इसके साथ हम इस डेपेशन चैप्टर के शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये जो दोनों मेथड है इसी का कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे भाई किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हुआ इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सम ऑफ द ऑफ डिजिट्स मेथड देन मशीन आर रेट मेथड मशीन आर रेट मेथड एंड uh, जिसमें आर बेसिस पे आरली बेसिस पे डिप्रेशन uh, जो है वो चार्ज किया जाता है जो मशीन्स यूज होते हैं यूजेबल जो आज है देन द प्रोडक्शन यूनिट मेथड कितना प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्शन यूनिट मेथड कितना एस्टिमेटेड uh, जो है प्रोडक्शन था और उसमें से कितना प्रोडक्शन uh, हुआ देन डिप्लेशन मेथड तो ऑल ये सारे के सारे मेथड जो है आप लोगों को सी ए फाउंडेशन में प्रिपेयर करने हैं आपके नवंबर uh, uh, के लिए आप अटेम्प्ट करने वाले हो तो ये आप लोगों को सारे

ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड तो यहाँ पे मैंने जो हमारी टेक्स्ट बुक जो प्रोवाइड की है आई ने तो उसमें कुछ एरर भी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड में जो एग्जाम्पल दिया हुआ इलेस्ट्रेशन में तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फिर उसके बाद में आप लोगों का कमेंट आएगा आप लोगों का जो है आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं या ये जो इलस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे आप लोगों को डीप ली जो सम्स कैसे हमको करने हैं उसकी डीप एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट मेथड है तो ये इट इज़ व्हाट इट इज़ द वेरिएशन ऑफ रेड्यूसिंग बैलेंस मैथड बैलेंसिंग मैथड का ही एक तरीके से वेरिएशन uh, है एंड इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ये जो है वो कॉम्बिनेशन है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ओसीएम जिसे मैं लिख देती हूँ प्लस हमारे रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या है कॉम्बिनेशन है इसके बारे में हम डिटेल में अभी पता चल जाएगा जैसे जैसे हम सम्स भी इसके सॉल्व करने जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे अभी इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो इन दिस केस जो एनुअल डेप्रिसिएशन है एनुअली जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ पर ईयर पर ईयर जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट ओरिजिनल कॉस्ट जो एसेट का लेस इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय फ्रैक्शन इसके जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द फ्रैक्शन तो ये बाय फ्रैक्शन इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर दिस इज द फ्रैक्शन जहां पर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ है जिसमें इंक्लूडेड होगा उसका प्रेजेंट ईयर भी प्रेजेंट ईयर भी इसका फॉर्मुला मैं आप लोगों को देने वाली हूं शॉर्ट में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर जो रिमेनिंग लाइफ है एसेट की ठीक है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट जो सारे के सारे डिजिट्स है दस साल की लाइफ है अगर एसेट की तो दस साल के उसका कैसे आप वैल्यू निकालोगे टोटल कैसे निकालोगे तो ये यह यहां पर एग्जाम्पल हमें दिया है कि सपोज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट एक एसेट की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो टेन ईयर्स है कितना ईयर्स है टेन ईयर्स है तो टेन ईयर्स है तो हम सारे के सारे डिजिट्स इसका मतलब क्या हुआ आप बिगर टू स्मॉलर काउंटिंग टोटल लोगे बिगर टू स्मॉलर मतलब टेन नाइन ऐसे जाओगे आप बैकवर्ड तो द टोटल ऑफ ऑल द बैकवर्ड आप काउंटिंग करोगे बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो द टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स वो बैकवर्ड जो काउंटिंग नंबर है उसकी टोटल लेना है आपको द तो यहाँ पे द टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स फ्रॉम वन टू टेन वन टू टेन का टोटल आप लोगे तो वो फिफ्टी फाइव आएगा तो दैट इज आप सम करके देखोगे टेन प्लस नाइन प्लस एट प्लस सेवन देन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन तो ये सारे के सारे का जो टोटल होगा वो uh, आप लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है कि उसका टोटल कितना आता है और वो uh, जो टोटल है सम ऑफ द डिजिट्स का जो टोटल है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है आप इन सब का टोटल करोगे कैलकुलेटर लेके भी आप टोटल करोगे तो इन ऑल ये आपको 55 रिसीव होगा कितना रिसीव होगा 55 अगर आपको ऐसे सम अप नहीं करना है तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें दिया है दिस इज द फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है तो एन इन द ब्रैकेट एन प्लस तो एन इज वर्ड एन इज नथिंग बट द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट एन इज नथिंग बट दस्टिटेड लाइफ ऑफ एसेट तो एन इन द ब्राकेट एन प्लस वन अपॉन टू तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू जैसे यहां पर एन इज एन एन प्लस वन मतलब आपका ब्रैकेट के बाहर क्या है एन है तो एन इज नथिंग बट टेन एन इज नथिंग बट टेन तो ब्रैकेट में हम लेंगे टेन प्लस वन ठीक है अपॉन टू ये फॉर्मूला जो है एन एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी कैसे आई तो टेन इन ब्रैकेट टेन प्लस टू दैट इज मल्टीप्लाई बाय इलेवन ब्रैकेट में अगर इलेवन है तो मल्टीप्लीकेशन का ही सिंबल हुआ टेन मल्टीप्लाई बाय इलेवन अपॉन टू तो हंड्रेड एंड टेन को जब हम डिवाइड बाई टू करेंगे तो हमें फिफ्टी फाइव जो है वैल्यू रिसीव जो होगी वो फिफ्टी फाइव होगी ठीक है तो अभी इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको अभी देने वाली हूँ हम लोग जॉट डाउन करेंगे और इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि इसको ही लेकर हम डिटेल में थोड़ा जाने वाले हैं आ, तो यहाँ पर द डेप्रसेशन टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में हम डेप्रेसेशन जो है रिटर्न ऑफ करेंगे राइट ऑफ करेंगे डेप्रसेशन तो उस समय पर हम क्या करेंगे टेन अपॉन फिफ्टी फाइव लेंगे टेन अपॉन फिफ्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे आ, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस उसका जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है द कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे टेन अपॉन फिफ्टी फाइव से तो हमें फर्स्ट ईयर का जो डेपोजिशन है वो रिसीव हो जाएगा एंड सो ऑन हम करते जाएंगे तो ये मैं आपको डिटेल में जो है एग्जांपल के साथ में जो इलेस्ट्रेशन नंबर थ्री दिया है उस इलेस्ट्रेशन ये जो स्टेटमेंट का मीनिंग है वो आपको इलेस्ट्रेशन वन इलेस्ट्रेशन वन जो है मैं डिटेल में आप लोगों को उस इलेस्ट्रेशन को यूज में लाते हुए मैं आपको एवरी ईयर का फर्स्ट ईयर से लेकर और मैं लास्ट जो फर्स्ट ईयर से लेकर टेंथ ईयर तक का जो डेपेशन है कैसे कैलकुलेट करना है वो पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूं ना ये जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं है फैशन में नहीं है आ, क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो सेम एज रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और जो हमारा इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आ, ये रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है ना यहाँ पे मैं आपसे बोलने वाली थी कि भाई इलेस्टेशन जो है इलस्ट्रेशन वन में कुछ एरर्स आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ बट उससे पहले हम आ, जो है सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड के बारे में थोड़ा सा कंटेंट जो है आप लोगों को इन राइटिंग में ले लेना है आ, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोग वो नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्या होगा आसानी होगी ये सारे जो की पॉइंट्स है आप अपने पास रखोगे आ, इसके स्क्रीन आप ले सकते हो पहले और भूलना नहीं है कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है हालांकि ये सी फाउंडेशन का मेरा वेरी फर्स्ट लेक्चर है और मैंने डेप्रिसिएशन के साथ स्टार्ट किया है कि अगर आप अपने समय का उपयोग नहीं करोगे मतलब आप ऐसे ही आ, पास होने दोगे समय को तो वो आपकी जो वैल्यू है आपका जो सी ए फाउंडेशन का जो सपना है उसको डिप्रिशिएट करते जाएगा तो आपको उसका यूज़ में लाना है यूज़ में लाने के बाद में वेर है के बाद कोई भी डिप्रशिएशन होता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है आ, तो आपको स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे मूव करें जो सम ऑफ द ऑफ डिजिट्स मेथड है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वगैरह है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे आपको मैंने नोट डाउन नहीं किया है कुछ चीज़ें मैं एडवांस में नोट डाउन करके रखती हूँ और कुछ चीज़ें मैं नहीं करती हूँ क्योंकि आ, कुछ चीज़ों को क्या जब हम सुनते हैं लिखते हुए देखते हैं तो हमें बेटर वे में वो चीज़ें समझ में आती है इसके लिए अभी हम इसको नोट नोट डाउन करेंगे कि सम ऑफ द डिजिट आप चाहिए तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं नहीं तो पहले ध्यान से सुनिए इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे देती हूं सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड ठीक है तो ये आपको नोट करना है कि ये जो मेथड है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एस एल एम प्लस डब्ल्यू डीवी डब्ल्यू डीवी तो ये कैसे डब्ल्यू डीवी एन एस एल एम का कॉम्बिनेशन है तो यहां पर एस एल एम जो है उसमें क्या होता है एसेट एसेट रिटर्न ऑफ एसेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं जब रिटर्न ऑफ डब्ल्यू स्लैश ऑफ का मतलब रिटर्न ऑफ फुल्ली फुल्ली राइट ऑफ करते हैं एट दफ लाइफ लाइफ के एंड में उसको फुल्ली हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं एंड डब्ल्यू डीवी में क्या होता है डेप्रेसेशन जो है डी ई पी पावर में एन मतलब डिप्रेसेशन रेड्यूसिस रेड्यूस होते रहता है रेड्यूसिस फ्टर ईयर यर आफ्टर ईयर एक साल के बाद जो अगला साल आता है उससे कम फिर उससे कम और उससे कम चलते रहता है नाउ सम ईयर डिजिट मेथड में जैसे आपको सम अप करने के लिए टोटल सम ऑफ ऑल द डिजिट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूला वो फॉर्मूला आपको नोट no डाउन कर लेना है तो यहां पर द टोटल ऑफ टू फाइंड आउट द टोटल टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऑल द डिजिट्स में एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ ऑल द डिजिट्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो एन एन प्लस वन अपॉन टू दिस विल बी द फॉर्मूला तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल Uh, किसी भी एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ सपोज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट इज टेन ईयर्स दस साल है और आपको टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स फाइंड आउट करने बोला ठीक है टोटल सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने बोला तो एक तो मेथड ये है कि आपको पता है टोटल सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है कि आप टेन प्लस नाइन प्लस एट प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन करेंगे तो आपको फिफ्टी फाइव रिसीव हो जाएगा क्या रिसीव हो जाएगा फिफ्टी फाइव क्योंकि हम क्या करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम यहां पर जो हमने लिया सम सम ऑफ़ ऑफ़ दी डिजिट्स फ्रॉम वन टू टेन और ये बैकवर्ड काउंटिंग के हिसाब से मैंने लिया तो फिफ्टी फाइव क्योंकि हमारा जो सबसे क्यों मैंने बैकवर्ड काउंटिंग के हिसाब से दिखाया क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है फर्स्ट ईयर डेप्रेसिएशन फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर जो होगा डेप्रस जब हम राइट ऑफ करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर जो हम कंसिडर करेंगे उस समय पर हम सम ऑफ़ डिजिट जो लेने वाले हैं टेन अपॉन फिफ्टी फाइव लेंगे क्या लेंगे टेन अपॉन फिफ्टी फाइव सेकेंड ईयर होगा तो सेकेंड ईयर में हम नाइन अपॉन फिफ्टी फाइव लेंगे नाइन अपॉन फिफ्टी फाइव थर्ड ईयर में हम जब थर्ड ईयर है तो हम एट अपॉन फिफ्टी फाइव लेंगे एंड मेन इट इज फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर आया तो हम सेवन अपॉन फिफ्टी फाइव इस तरीके से हम सम ऑफ द डिजिट्स लेने वाले हैं ठीक है तो ये एक कॉन्सेप्ट था तो इसमें इसको ये भी बोला जाता है दिस इज नथिंग बट दी फ्रैक्शन दिस इज नथिंग बट दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसका तो ये जो है ये जो वैल्यू आई हमारी टेन अपॉइंट फिफ्टी फाइव नाइन अपॉइंट फिफ्टी फाइव एट अपॉइंट फिफ्टी फाइव सेवन अपॉइंट फिफ्टी फाइव एंड सो ऑन तो दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन है जो कि किसका फ्रैक्शन हुआ तो रिमेनिंग 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 लाइफ ऑफ द एसेट लाइफ ऑफ एसेट, दिमेनिंग लाइफ ऑफ दलूडिंग इंक्लूडिंग, सी वाई करंट ईयर जिसे हम प्रेजेंट ईयर भी बोल सकते हैं करंट ईयर भी बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स का मतलब हुआ सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम जो भी एस्टिमेटेड लाइफ है ठीक है टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट जो कि इन ईयर्स दी होगी हमें इन ईयर्स दस साल है तो दस साल का टोटल करेंगे टेन नाइन अगर एट ईयर्स है तो एट तो फिर हमारा जो बिगनिंग होगा वो एट सेवन सिक्स इस तरीके से जाएगा अगर सेवन ईयर्स है एस्टिमेटेड लाइफ तो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इस तरीके से और अगर हम फॉर्मला अप्लाई करते हैं तो फिर सेवन इन द ब्रैकेट यहां पर टेन है तो हम टेन के अकॉर्डिंगली अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से जाएगा खाली एस्टिमेटेड सम ऑफ द डिजिट्स निकालने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स के लिए जब हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल्स टू एन एन प्लस वन अपॉन टू तो अगर टेन के साथ जाना है टेन इयर्स है एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से तो टेन प्लस वन अपॉन टू लेंगे टेन इन ब्रैकेट टेन प्लस टू तो ये जो टेन एंड टेन प्लस वन कितना हो जाता है इलेवन तो इन द ब्रैकेट इलेवन अपॉन टू और जैसे कि हम सभी जानते हैं वन हंड्रेड एंड टेन वैल्यू आएगी वन हंड्रेड एंड टेन अपॉन टू टू फिफ्टी फाइव तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर अगेन आई एम रिपीटिंग फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करने के लिए हम टेन अपॉन फिफ्टी फाइव लेंगे क्योंकि टेन ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ है सेकेंड ईयर के लिए हम लेंगे नाइन अपॉन फिफ्टी फाइव थर्ड ईयर के लिए लेंगे हम एट अपॉन फिफ्टी फाइव थोड़ा सा अनटाइड हो गया एंड फोर्थ ईयर के लिए हम लेंगे सेवन अपॉन फिफ्टी फाइव फिफ्थ ईयर के लिए हम सिक्स अपॉन फिफ्टी फाइव सिक्स ईयर के लिए हम फाइव अपन फिफ्टी फाइव इस तरीके से सो ऑन वी हैव टू मूव तो ये इसको जो है विथ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी जब सम ऑफ द समर्स डिजिट मेथड का जो इलेस्ट्रेशन नंबर थ्री दिया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल हम उसको सॉल्व भी करेंगे जैसे कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में तो हमें ओनली टू थाउजेंड 19 का बोला है टू थाउजेंड नाइनटीन का हमें प्रिपेयर करने बोला लेकिन हम बिगनिंग से जब टू थाउजेंड फोर्टीन से ये परचेस हुआ था मशीन तब से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे पूरा हम कंप्लीट ये इलेस्ट्रेशन जो है विद द फर्स्ट ईयर आप कैलकुलेशन कैसे करो आपका कैसे वैल्यूज आएगा वो एंड साथ ही ये जो एग्ज़ैम्पल है इन शॉर्ट मतलब यहाँ पर खाली हमें 2019 का पूछा है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ एरर भी आइडेंटिफाई हुए हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ तो चैनल के साथ बने रहना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे शेयर करना नहीं भूलना है Let your friends also take the benefit from this channel. Thank you very much. God bless you, all dear students.